नीतीश ने भ्रष्टाचार के आरोपी मेवालाल को बनाया है मंत्री। इंडिया न्यूज के सवालों को टाल गए मंत्री मेवालाल। मंत्री मेवालाल ने हर सवाल का दिया सिर्फ एक जवाब, सारे आरोप निराधार है, ये कहना है मंत्री मेवालाल का। मंत्री मेवालाल पर है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। अब से आधी घंटे पहले हमने लगभग आधी घंटे आपको बताए थे क्या क्या आरोप है मेवालाल के ऊपर, कैसे नियुक्ति का आरोप है, कैसे उनकी पत्नी की मौत के ऊपर आईपीएस उस वक्त आईपीएस अहमदा ठाकुर ने सवाल उठाया था, डीजीपी को लेटर लिखा था। और अब जब खुद मेवालाल मिलने गए थे वशिष्ठ नारायण जो कि अध्यक्ष हैं, तो वहां पर हमारे संवाददाता ऐश्वर्या खड़े हुए थे और उन्होंने सवाल की एक लंबी झड़ी लगाई मेवालाल के सामने। लेकिन मेवालाल का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। सर मेवालाल चौधरी जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेवालाल जी बस दो मिनट में आपसे लूंगा, आपको आपसे बस दो मिनट में बात करना चाहूंगा। मेवालाल जी आप दो मिनट बात करना चाहूंगा। आपने शिक्षा मंत्री का भार संभाला है मेवालाल जी, काफी सारे एलिगेशन लग रहे हैं आपके। एलिगेशन नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, निराधार एलिगेशन है। क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आरजेडी लगातार कह रही है कि आपको नहीं बनाना चाहिए। अरे कमाल की बात कर रहे हैं भाई, जो कोई निराधार, बिल्कुल निराधार है, अनुसंधान चल रहा है। देखिए बिल्कुल निराधार है ये बोल रहे हैं, और गाड़ी आप देख सकते हैं साफ तौर पर। हमें सवालों के जवाब, हमने उनसे काफी सारे सवाल पूछे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सारे एलिगेशन निराधार है। आरजेडी की तरफ से जितने भी साफ तौर पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ये सारे ही सारे गलत हैं, हमारे ऊपर किसी भी तरीके का एलिगेशन नहीं है। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात करने के बाद निकलते हुए। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज पटना। हमने कोशिश की जानने से मेवालाल से कि आखिर इन आरोपों के पीछे क्या सच्चाई है, क्यों उनका नाम बार बार आ रहा है, लेकिन मेवालाल सिर्फ ये कहकर निकल गए कि सब निराधार है। कब तक भागेंगे मेवालाल।